नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली में 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के ग्रीन एनर्जी फील्ड में की गई घोषणा की तारीफ की है। देखिए ये रिपोर्ट। 7वें रायसीना डायलॉग का शुभ आरंभ। उर्सुला वॉन डेर लेयेन रही मुख्य अतिथि। 27 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। दिल्ली में सोमवार को 7वें रायसीना डायलॉग का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत विश्व के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उर्सुला वॉन ने पीएम मोदी के 2047 तक भारत के ग्रीन एनर्जी फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के ऐलान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब भी भारत में लोकसभा चुनाव होता है तो पूरा विश्व सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ अपनी नजरें जमाए रहता है। इसके अलावा उर्सुला वॉन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये हमला पूरे यूरोप के लिए खतरे की बात है। वहीं इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और यूरोपीय कमीशन के बीच ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने की घोषणा की। 27 अप्रैल तक चलने वाले इस बार के रायसीना डायलॉग कार्यक्रम की थीम टेरनोवा इपेसेंट इम्पेसियस इम्पेरिल्ड है। इसमें 6 वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार के अलावा कारोबार, प्रौद्योगिकी और विचारधारा, हिंद प्रशांत में अशांत समय, हरित बदलाव हासिल करना और जल समूह जैसे 6 मुद्दे शामिल हैं। करीब 90 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम एंथनी एबॉट, स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल बिल्ट, कनाडा के पूर्व पीएम स्टीफन हार्पर और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद समेत तमाम नेता हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, गुयाना, नॉर्वे, लिथुवेनिया, नीदरलैंड, पोलैंड और पोर्टुगल के विदेश मंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। दरअसल विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इस साल रायसीना डायलॉग का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से पहले हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।